जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा दिल्ली के उप्पल होटल के कमरे में मृत पाए गए हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा अगरतला जाने के लिए निकले थे। मौत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर साकल्ले की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। खबरें हैं कि डॉक्टर अरुण ने मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े 200 के करीब दस्तावेज एसटीएफ को सौंपे थे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डीन की मौत भी व्यापम घोटाले से ही जुड़ी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही सारा डिटेल कुछ ऐसा पता लगेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई इसमें नथिंग फाउल हैज बीन नोटिस। कमरा अंदर से बंद था। सर, क्या आप टीम अपनी भोपाल वगैरह भेजेंगे कुछ जांच के लिए, इसमें ऐसा कुछ है? नहीं, पहले सारे एविडेंसेस यहाँ कलेक्ट कर लें, उसके बाद जो भी चीजें होंगी आगे करेंगे। ठीक है, ओके, कलेक्ट ऑल पॉसिबल एंड द बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस। इनसे मिलने आया था होटल में कल के बीच, इस पर नथिंग एज सच हैज कम टू कम। पोस्टमार्टम कब होने की उम्मीद है? बेटा क्या आज पहुंच जाएगा? आज होगा पोस्टमार्टम? इट इज अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज। वंस अगेन आई कैन रिटरेट एंड से दैट द नथिंग फाउल एंड नथिंग अनटूवर्ड हैज कम टू नोटिस एज ऑफ नाउ। We have sent the body for postmortem. We are collecting all scientific evidence, and we will leave no stone unturned to get to know the actual cause of death. और जबलपुर चैप्टर के आईएमए अध्यक्ष सुधीर तिवारी ने डीन की मौत के बाद अपनी हत्या की आशंका भी जता दी है। अगर मैंने बीड़ा उठाया है सत्य उठा, तो यह है कि उनको ये बताया गया है कि एसटीएफ को उनने 200 से ज्यादा जानकारियां दी हैं व्यापम की, और अभी एसटीएफ स्वीकार करे, मगर राजनीतिक दल तो मुद्दा उठाए कि एसटीएफ गाही कर रही है। भाई, मैं एक चिकित्सक हूं, मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। चिकित्सकों की जान जा रही है, ईमानदार दबंग व्यक्तित्वों की जान जा रही है। क्या करना है आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच करें और सत्य को सामने लाएं। किसने बताया था आपको भी जान? मैं नहीं बताऊंगा, उसकी जान को खतरा है। जिसने मुझे जानकारी दी, उन सबकी जान का खतरा है। ये लोग मेरी भी जान ले सकते हैं। मैं सुबह से घूम रहा हूं आईजी साहब के ज्ञापन देने के लिए कि मेरी जान को खतरा है। आईजी साहब नहीं मिल रहे मुझे। देखो, ये पुलिस का काम है जांच करना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, पता लग जाता है कोई फाउल प्ले है नहीं है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हम सबको ये मानना चाहिए, पॉजिटिव सोच के चलना चाहिए, और रिपोर्ट आ जाए फिर कुछ कमेंट कर पाएंगे।